स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द क्लास। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं, जैसे ए ट्रांसफॉर्म इनटू बी और ए और बी दोनों फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो जो रेट होगा वो क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन में सिर्फ रेट फॉरवर्ड माइनस रेट बैकवर्ड। तो ये रेट फॉरवर्ड है, ये रेट बैकवर्ड है, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ, इट इज़ रेट फॉरवर्ड माइनस रेट बैकवर्ड, ठीक है। तो आपने लिख दिया, तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बी की जीरो है, इनिशियली जो बी है वो ज़ीरो है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी वैल्यू ये आएगी, ठीक है। जहाँ पर एक्स ई क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम, और x क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ b एट टाइम t, श्योर। और अगर b इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ b जीरो नहीं है, ठीक है, अगर b नॉट जीरो नहीं है तो b की वैल्यू b नॉट है मान लीजिए, श्योर है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पास ये वैल्यू आएगी, क्लियर है। इसके आने के जो ये सेकंड इक्वेशन है, इसके आने के चांस बहुत ब्लिंक हैं, ठीक है। आपको इसी पर क्वेश्चन आएगा, वैसे तो आज तक आया नहीं, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर का ऐसा पोर्शन है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, तो आ सकता है क्वेश्चन, क्लियर आपको ये बात। तो एक्स ई जो वैल्यू है यहाँ पर है, आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियर है। तो ये दो ही क्वेश्चन हमने रखनी है, एक जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी जीरो है, और ये वो जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी जीरो नहीं है, क्लियर आपको ये बात। तो ये इक्वेशंस आप याद रखिए ध्यान से, आर यू क्लियर अबाउट दैट, श्योर, वेरी मच श्योर, ध्यान चेक कर लीजिए। तो अब आप इस पर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये थोड़ा सा ध्यान से समझ आ जाए। देखिए अब आपके सामने यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उस रिवर्सिबल रिएक्शन में जो ए है वो बी में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और दोनों रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में, के वन है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड और के टू है रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम बाय ए एट इक्विलिब्रियम की वैल्यू 4 है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन जो ए का है वो 0.01 मोलर है, मतलब कि आपका कितना हो गया यहाँ पे 10^-2 मोलर, क्लियर आपको ये बात, कितना हो गया यहाँ पे, ये आपके पास आ गया 10^-2 मोलर, और इनिशियल कंसंट्रेशन बी नॉट जीरो है, तो बताइए बी की कंसंट्रेशन क्या है आफ्टर 30 सेकेंड, ये क्वेश्चन आपके पास। तो आंसर लिखेंगे जब इसका, तो कैसे करेंगे आप लिखेंगे ए ट्रांसफॉर्म इनटू बी, तो के वन के टू, ठीक है। तो जो ए है वो है 0.01 और जो बी है वो 0 है, तो ये हो जाएगा 0.01 माइनस, अब ये इक्विलिब्रियम मान लीजिए, इक्विलिब्रियम की वैल्यू है कि एट इक्विलिब्रियम ये हमारे पास कंसंट्रेशन है, ये टी इक्वल टू 0 पर है, ठीक है, श्योर। तो पहली बात है जो B एट इक्विलिब्रियम बाय A एट इक्विलिब्रियम है, वही तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है जो कि 4 है, आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियर। तो हमें मालूम है ये बात कि X इक्विलिब्रियम जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू 4 है, अब जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू है अगर 4 है तो ये क्या होगा, K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड, तो हमारे पास जो K फॉरवर्ड है वो कितना है, K फॉरवर्ड की वैल्यू आ रही है -2, तो ये 4 हो गया, आर यू श्योर। तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट K बैकवर्ड की जो वैल्यू है वो आ गई 1/4 इंटू 10^-2, जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2.5 इंटू
टेन पावर माइनस थ्री, और अगर इसको के टू इसको रहने देंगे तो ये ऐसे भी सकता है 0.25 इंटू टेन पावर माइनस टू, ऐसे भी ले सकते हैं आप। क्लियर? तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको ध्यान से चेक कर लीजिए, कुछ भी नहीं है, ये कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। आर यू श्योर? तो ये हमारे पास के टू की वैल्यू आ गई। अब बी इक्विलिब्रियम क्या है? बी इक्विलिब्रियम है एक्स इक्विलिब्रियम, और ए इक्विलिब्रियम क्या है? 0.01 माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, किसकी वैल्यू है? 4 की। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ गया एक्स इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 4 इंटू 0.01 माइनस इक्विलिब्रियम। जब आपने इसको सॉल्व किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो x इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गई हमारे पास? आंसर आ गया 0.008। आर यू श्योर? तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें K1 पता है कितना है, तो आंसर है 10 पावर माइनस 2। K2 हमने अभी अभी निकाला, कितना है? 0.25 10 पावर माइनस 2। तो K1 प्लस K2 मालूम पड़े इतना है यहाँ पे 1.25 इंटू 10 पावर माइनस 2। इन दोनों को आपने ऐड कर दिया। आर यू श्योर? और टी हमसे पूछा गया है 30 सेकंड का। श्योर? समझ आ गया? तो वैल्यू लगा दीजिए, टी इक्वल टू 2.303 K1 प्लस K2 log एक्स एट इक्विलिब्रियम, एक्स एट इक्विलिब्रियम माइनस एक्स। तो ये हमने ऑलरेडी पता लगा लिया, ये वैल्यू है, ठीक है, 0.08। K1 बाय K2 भी आपने पता लगा लिया, कितना वैल्यू है? 1.25 10 पावर माइनस 2। टी का वैल्यू आपको पता ही है 30 सेकेंड, लॉग 0.008 बाय 0.008 माइनस एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर और एंटी लॉग लगाने पर हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, ठीक है जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई और एन अप्लाई एंटी लॉग, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपके पास 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, किया हमने और एंटी लॉग लगा के सॉल्व कर दिया, तो दिस इज द वैल्यू व्हाट वी गेट। श्योर? इजी है ना? बहुत इजी है, ठीक है बेटे। आर यू श्योर? इसको ध्यान से देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप। ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे कह रहा है द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर प्रोसीड विद कॉन्स्टेंट हाफ लाइफ ऑफ 500 मिनट एट pH 5 फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। ये जो लाइन है बहुत इम्पोर्टेंट है। शुगर की कोई भी कंसंट्रेशन हो, ठीक है, क्लियर, और pH की वैल्यू अगर 5 हो तो 500 मिनट है हाफ लाइफ इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इसमें क्या हुआ, शुगर के लिए जो वैल्यू है, शुगर के लिए जो वैल्यू है वो क्या है, वो है फर्स्ट ऑर्डर की, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी हाफ लाइफ की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो आपका जो आंसर का पहला पार्ट क्या हो गया, आप बोलेंगे सिंस फॉर एवरी कंसंट्रेशन ऑफ शुगर टी हाफ इज इंडिपेंडेंट, सो क्या होगा, सो
जो ऑर्डर ऑफ शुगर है वो 1 हो गया। ठीक है जी, क्लियर आपको ये बात? ऑर्डर ऑफ शुगर क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है जी। आ रही शोर बेटे अब? लेकिन उसके बाद क्या बोल रहा है? कह रहा है अगर पीएच को चेंज कर दीजिए 6 पे तो हाफ लाइफ 50 मिनट हो जाती है। मतलब क्या हुआ? एच प्लस की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है, सॉरी हाफ लाइफ डिपेंड करता है। इट मींस अगर पीएच की वैल्यू 5 है तो टी हाफ 500 मिनट है, और अगर पीएच की वैल्यू 6 है तो टी हाफ 50 मिनट है। इसका मतलब क्या हो गया? जो कंसंट्रेशन ऑफ एच है टी हाफ डिपेंड्स ऑन दैट। इसका मतलब यहाँ पर जो एच प्लस की कंसंट्रेशन है वो 1 नहीं है, शुगर की तो 1 है पक्का है ये। क्लियर आपको? शुगर की तो 1 है, ये पक्का हो गया। क्या हो गया? पक्का हो गया, श्योर। तो देखिए इसको, देखिए क्या हो गया। रेट को हम क्या देखेंगे? के शुगर पावर अल्फा एच प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 1 है, ये एस्टेब्लिश हो गया। कैसे हो गया? वो कह रहा है जो टी हाफ है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, क्योंकि शुगर कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता। तो क्या हो गया? ये तो ऑर्डर 1 हो गया। क्या हो गया? ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया। एच प्लस पर डिपेंड करता है, तो टी हाफ की जो वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है? वो होती है कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस एन। यहाँ पे एन क्या होता है? ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है? बीटा। ठीक है, तो अंदर क्या आएगा? टी हाफ प्रोपोर्शनल टू, ठीक है जी, कंसंट्रेशन 1 माइनस बीटा। क्लियर? तो पहले केस में कितना? टी हाफ 500, तो कितनी कंसंट्रेशन है? पी एच इक्वल टू कितनी है? पी एच इक्वल टू 5 है। तो अगर पी एच 5 है तो ऑब्वियस है एच प्लस 10 पावर माइनस 5 है। टी हाफ 50 है तो पी एच की वैल्यू 6 है, क्योंकि अगर पी एच 6 है तो एच प्लस 10 पावर माइनस 6 है। तो ये हो गया 500/50 इक्वल टू 1 माइनस बीटा। तो कितना आ गया? 10/1 इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे? 10 माइनस 5 प्लस 6/1 1 माइनस बीटा। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हो गया बेटा यहाँ पे? अब आपके सामने आ गया 10/1 इज इक्वल टू 10/1 1 माइनस बीटा। तो पावर को आप कंपेयर करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 1 इक्वल टू 1 माइनस बीटा। तो बीटा के लिए कितनी आ गई? 1 माइनस 1, दैट इज 0। तो ऑर्डर ऑफ एच प्लस क्या आ गया? आंसर है 0। क्या आ गया? तो रेट क्या आ गया? रेट आ गया के, हाउ मच? के इज इक्वल टू शुगर 1 एच प्लस 0। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो रेट की वैल्यू क्या आ गई? के इंटू शुगर। Are you sure? Clear? Easy? That is too easy. समझ आ गया बेटे आपको? Very good. चेक कर लीजिए आप लोग ध्यान से। तो जो A है, A transforming into NB है question. ये दे रखा है आपको question. क्वेश्चन क्या है कि जो फिगर है ये इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ पे। रिएक्शन है ए ट्रांसफॉर्म इनटू एन मोल ऑफ बी, तो बताइए बी की कंसंट्रेशन क्या है एट पॉइंट ओ। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है इसका? ए नॉट का, ए नॉट मान लीजिए दे रखा है क्वेश्चन में, इसका 0 है। तो इसका है यहाँ पर मान लीजिए ए नॉट 1 माइनस एक्स, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा यहाँ पे एन ए नॉट एक्स।
क्लियर आपकी बात। यहाँ अगर इसको आप अगर ध्यान समझ रहे तो ए नॉट है, तो ए नॉट में से अगर एक्स कम हो गया तो यहाँ से एन एक्स बन गया। श्योर अबाउट दैट? ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो ए नॉट वन माइनस एक्स में से एन नॉट एक्स बन, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। अब ओ पर क्या है, एट ओ क्या है, एट पॉइंट ओ क्या है, तो आप चेक कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ बी के इक्वल आ रही है। ठीक है ना, आ रही है नहीं आ रही? देखिए बिल्कुल सही। तो ये क्या है, ये है ए नॉट वन माइनस एक्स, और ये क्या है एन ए नॉट एक्स, ए नॉट माइनस ए नॉट एक्स, और ये क्या हो जाएगा एन ए नॉट एक्स। आर यू श्योर? तो ए नॉट कॉमन बाहर निकाल के, ठीक है यही कर दूं क्या, ए नॉट कॉमन बाहर निकाल लीजिए, क्या आ गया वन माइनस एक्स आ गया ए नॉट एन एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया वन माइनस एक्स इक्वल टू एन एक्स। क्लियर? तो हमारे पास जो वैल्यू आई है क्या आई यहाँ पे, तो एन एक्स प्लस एक्स इक्वल टू वन, सो एक्स कम आउट टू बी वन अपॉन वन प्लस एन। ठीक है जी, क्लियर आपकी बात? अगर एक्स की वैल्यू वन अपॉन वन प्लस एन है, ठीक है, इसमें से एक्स कौन बाहर आ गया ना, उससे किया हम, ठीक है श्योर। तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आएगी, तो बी की वैल्यू यहाँ पर है एन ए नॉट एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखिए एक्स की वैल्यू है यहाँ पे वन अपॉन वन प्लस एन। आर यू ओके विद दैट? एन ए नॉट बाय वन प्लस एन। आर यू श्योर? क्लियर? वेरी मच श्योर, क्या यहाँ पर वेरी मच श्योर। क्वेश्चन दोबारा चेक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि आपको बताना क्या है, आपको बताना है यहाँ पे कि पॉइंट ओ पर, पॉइंट ओ पर जो बी की कंसंट्रेशन क्या है, जबकि रिएक्शन इस, रिएक्शन इस इक्वेशन को फॉलो करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ठीक है, कि अगर ए नॉट में से, ए नॉट में से एक्स अमाउंट डिसअपियर होता है तो उसका एन एक्स अमाउंट अपीयर होता है। श्योर अबाउट दैट अमाउंट? और ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। आर यू श्योर? यहाँ से एक्स निकाल लीजिए, एक्स निकाल के यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखिए ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आ गया आंसर एन नॉट ए डिवाइड बाय वन प्लस एन। ठीक है ना, इजी, दैट इज टू इजी। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इस ओ पॉइंट पे क्या है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या आ रही है, सेम आ रही है, क्या आ रही है, सेम आ रही है। श्योर अबाउट दैट? इजी, दैट इज टू इजी। पैरेलल रिएक्शन क्या होते हैं, रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कैन गिव टू और मोर देन टू डिफरेंट प्रोडक्ट बाय अप्लाइंग डिफरेंट पाथ एट डिफरेंट रेट। देखिए जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि मान लीजिए जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डीकम्पोज होके सी ए ओ प्लस सी ओ टू दे रहा है, तो ये सेम पाथवे से दे रहा है, ये दो प्रोडक्ट आ रहे हैं लेकिन सेम पाथवे से आ रहे हैं। अमोनिया है डीकम्पोज होके आपको एन टू प्लस थ्री एच टू दे रहा है, तो ये सेम पाथवे से दे रहा है, डिफरेंट पाथवे से नहीं दे रहा, दो प्रोडक्ट आ रहे हैं लेकिन सेम पाथवे से आ रहे हैं, कोई डिफरेंट पाथ नहीं चल रहा रिएक्शन का। लेकिन अगर आप एग्जांपल देखिए, जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल को अगर आप H2SO4 में वार्मिंग करवाएंगे तो क्या होगा, तो आपको सब्स्टिट्यूशन से क्या मिलेगा, ईथर, और एलिमिनेशन से क्या मिलेगा, एल्कीन, और ये दोनों प्रोडक्ट हमेशा मिलेंगे आपको। क्लियर? क्लियर? हो सकता है एक मेजर हो एक माइनर हो, हाई टेम्परेचर पे एल्कीन डोमिनेटिंग होगी,
और लो टेम्परेचर पे क्या होगा, ईथर डोमिनेट करेगा, श्योर अबाउट दैट ना? लेकिन दोनों प्रोडक्ट हमेशा मिलेंगे हर कंडीशन में, कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आपको 100% ईथर या 100% एल्कीन मिलने वाला है। आर यू श्योर अबाउट दैट और नॉट? तो ऐसे रिएक्शंस हम बोलते हैं पैरेलल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? पैरेलल रिएक्शंस दैट टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, ओके, बाय टेकिंग ए डिफरेंट पाथ। दोनों प्रोडक्ट जो हैं सेम पाथ से नहीं आ रहे, सेम सीक्वेंस से नहीं आ रहे। जो प्रोडक्ट बी है वो एक अलग रास्ते से आता है और जो प्रोडक्ट सी है वो एक अलग रास्ते से। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है, एलिमिनेशन। तो रिएक्शन का बहुत डिफरेंस है। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियर? तो ऐसे रिएक्शन में क्या होगा, चेक करते हैं दोबारा से कि मान लीजिए जो ए है ट्रांसफॉर्मिंग इनटू बी है एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू सी है एट टू डिफरेंट रेट कांस्टेंट वैल्यूज, तो ओवरऑल जो रेट होगा वो क्या होगा, वो होगा डिसअपीयरेंस ऑफ डी ए बाई डी टी, किसके इक्वल है यहाँ पे, तो द रेट एट विच ओके ए डिसअपीयर बाय काइनेटिक रेट के वन प्लस द रेट एट विच ए डिसअपीयर बाय काइनेटिक रेट के टू। आर यू ओके विद दैट? ये डिसअपीयर नेगेटिव का सिंबल है क्योंकि रेट कभी नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव का सिर्फ डिसअपीयरेंस होता है। अब इसमें से आप कंसंट्रेशन ऑफ ए को कॉमन बाहर निकाल लीजिए, आ गया आपके पास, तो कितना आ गया, माइनस डी ए बाई डी टी, तो क्या आ गया, के वन प्लस के टू इंटू डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये आ गया माइनस डी ए बाई ए, ठीक है, ये इधर आ गया, ये ऊपर चले गया, तो दोनों साइड इंटीग्रल ले लीजिए, तो कितना आ गया, डी ए बाई ए इज इक्वल टू के वन प्लस के टू इंटीग्रल डी टी, तो क्या आंसर आ गया आपके पास, ये आ गया माइनस लॉग नेचुरल ऑफ ए इक्वल टू के वन प्लस के टू टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, ये इक्वेशन नंबर वन आ गया। चेक कर लीजिए कैसे आया, ये देखिए फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर गिवन है तो लॉग आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और डी टी का इंटीग्रल से कट जाए तो क्या टी आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये आपका इनडिफिनेट निकल गया तो इंटीग्रल कांस्टेंट लग गया आपका साथ में, ठीक है। अब आपको पता है एट टी इक्वल टू जीरो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है, तो ए किसके इक्वल है, ए नॉट के इक्वल है, तो आंसर आ जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ लॉग के वन प्लस के टू टी की वैल्यू जीरो कर दो प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, तो वैल्यू आ गई इंटीग्रल कांस्टेंट की वैल्यू इतनी आ गई यहाँ पे, ये सेकंड वैल्यू आ गई, तो पुट सेकंड इन वन, तो ये माइनस का लॉग ए नॉट इधर के आ गया प्लस का लॉग ए नॉट के वन प्लस के टू, ठीक है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या आ जाएगा, लॉग ए प्लस बी, श्योर क्लियर है, चेक कर लीजिए इसको ध्यान से, तो हो गया लॉग ए नॉट बाय ए इज इक्वल टू के वन प्लस के टू इंटू टी, लॉग नेचुरल को आप टेबल लॉग में चेंज कर लीजिए, तो वही इक्वेशन आई है जो पहले आपको मिलती है, नथिंग डिफरेंस है, श्योर अबाउट दैट नॉट? क्लियर आ गई एक बार? तो कोई आपसे पूछे कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या होगी, तो आंसर होगा के वन अपॉन के वन प्लस के टू इंटू अमाउंट ऑफ ए डीकम्पोज्ड, तो जैसे कि इसमें क्या होगा 100% डीकम्पोज होगा तो वन आ गया, ठीक है, नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या है, के टू बाय k
वन प्लस के टू इंटू ए डीकम्पोज्ड। क्वेश्चन कौन है, ए ट्रांसफॉर्म इंटू बी, ए ट्रांसफॉर्म इंटू सी बाय फॉलोइंग द डिफरेंट मैकेनिज्म। आर यू श्योर अबाउट दैट, बाय फॉलोइंग द डिफरेंट मैकेनिज्म। क्लियरली इंडिकेट आ गया बेटे आप लोगों को, ईजी, दैट इज टू ईजी, श्योर, क्लियर। देखिए इसका एक और एग्जांपल है पैरेलल रिएक्शन का, वो कौन सा है कि मान लीजिए सिस्टम के अंदर क्या है आपके पास NO2 और SO2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो NO2 है इट कैन बी कंज्यूम्ड इन टू वेज, पहला रिएक्शन ये वाला चलेगा दूसरा ये वाला। तो आप बोल सकते हैं ये किसका एग्जांपल है, ये पैरेलल रिएक्शन, इसका एग्जांपल है, ये पैरेलल रिएक्शन का एग्जांपल है आपके पास। और यू श्योर, ओके, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन आ गया कि जो ए है ट्रांसफॉर्म टू बी एंड सी बाय के वन के टू, ये के वन की वैल्यू, ये के टू की वैल्यू, चेक करिए 1.26 3 पॉइंट, ये माइनस 5 है तो ये माइनस 4 कर दिया। तो अगर चेक करेंगे तो के वन प्लस के टू की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, तो ये आ जाएगी 1.64 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या आएगा, तो के वन अपॉन के वन प्लस के टू इंटू अमाउंट ऑफ ए डीकम्पोज। तो मान लीजिए ये 1 मोल पूरा का पूरा डीकम्पोज हो गया, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे इंटू 1, तो आंसर आएगा यहाँ पे 1.26 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय 1.64 इंटू 10⁻⁴। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियर। तो ये आ गया 0.7683, ठीक है जी। कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या होगी, तो आंसर होगा के टू बाय के वन प्लस के टू इंटू अमाउंट ऑफ व्हाट, अमाउंट ऑफ ए, तो ये आंसर क्या आ गया 0.38⁻⁴ डिवाइड बाय, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 0.2317। तो ये तो ए का जो, सॉरी ए का तो डिसअपीयर हो गया, जो बी है वो है 76.83% और सी है आपके पास 23.17%। ओके, आर यू श्योर, क्लियर। अब चेक कर लीजिए इस इक्वेशन को ध्यान से कि सी के लिए क्या आएगी, के टू बाय के वन प्लस के टू, और जो बी के लिए आएगी के वन अपॉन के वन प्लस के टू। दिस यू हैव टू मेमोराइज, आर यू श्योर अबाउट दैट, ओके, वेरी मच श्योर। मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा कि एक्स मोल ऑफ ए गिव्स यू वाई मोल ऑफ P at K1 and K2 will be Z mole of C, तो concentration of B क्या आएगी, तो K1 upon K1 plus K2 into amount of A decomposed into Y by X into what, इंटू वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स, आर यू गेट दैट। और कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास सी क्या आ सकती है,
कंसंट्रेशन ऑफ सी हमारे पास आएगी ठीक है जी, कंसंट्रेशन ऑफ सी विल बी के टू बाय के वन प्लस, ओके आई एम रिपीटिंग वंस, दोबारा समझे ध्यान से, अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास यहाँ पर x मोल ऑफ a ट्रांसफॉर्मिंग इनटू y मोल ऑफ क्या है, y मोल ऑफ b एंड व्हाट इज दैट z मोल ऑफ c होगा, तो ये b की वैल्यू है यहाँ पर और ये c की वैल्यू है, तो यहाँ उस केस में, जिस केस में क्या है, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखे हैं उस केस में, तो ये इनटू a डीकम्पोज, ये d क्या मतलब है, डीकम्पोज है, क्योंकि हो सकता है पूरे का पूरा a डीकम्पोज होगा, लेकिन बहुत सारे केस में क्या होगा, आपको डीकम्पोज्ड a का अमाउंट गिवन होगा, आर यू श्योर अबाउट दैट, ओके क्लियर, क्लियर ये बात आपको, वेरी मच क्लियर, वेरी गुड।